Ex-Jawans who gathered at Azad Maidan Panji to pay homage to the martyred CRPF Jawans on Saturday blamed local support to the terrorist in the dastardly attack. 44 Jawans died at Pulwama when a 20-year-old terrorist rammed a vehicle into a convoy of buses carrying CRPF Jawans to their post. Wreaths were laid and 2-minute silence was observed at the Martyrs' Memorial at Azad Maidan to pay tributes to those who made the ultimate sacrifice for the nation. It is a time to support them, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके परिवार, माता पिता, बहन भाई, बच्चे जिनके हैं, उनको सपोर्ट करें, हमारे सरकार को सपोर्ट करें, हमारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें, और हम एज अ सिविलियन, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अपना शो सॉलिडारिटी विद द गवर्नमेंट और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सरकार ऐसा कदम उठाएगी जैसे कि जिन्होंने ये कांड किया चाहे वो कोई देश हो चाहे कोई ग्रुप हो उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा ये इमीडिएटली नहीं होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा एंड प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि आर्म फोर्सेस को पूरी आज़ादी दी गई दे आर फ्री टू रिस्पॉन्ड as a time place of their choosing and we are sure we have seen a couple of years back how we responded and this time we hope that the response will be much stronger both militarily as well as economically diplomatically so that this rogue nation thinks twice before doing anything against our country so we all have gathered here today to pay our homage to our jawans who sacrificed their life for the sake of the nation and we are here to support them we are here to pay our shraddhanjali to them reki party ja chuki thi reki ho chuki thi clearance mil chuka tha magar jis tarah se aap humne bhi pehle tv dekha hai 8 din pehle gtv ne bataya tha 5 february 9 february 15 february ko fidaini attack hone wala hai ye input aaya tha इसके ऊपर सरकार ने पूरा नियंत्रण रखा था मगर प्रॉब्लम यहाँ होता है कि लोकल्स वहाँ के लोकल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी इतना लोग वहाँ पर आए अमनिशन की गाड़ी वहाँ पर आई ये लोकल को मालूम था और लोकल ने सपोर्ट नहीं करने के वजह से ये हादसा हुआ है आपको याद दिलाता हूँ मैं पंजाब का प्रॉब्लम था इतना पंजाब का प्रॉब्लम हुआ था कि ये हो रहा था कि पंजाब हाथ से निकल जाएगा मगर पंजाब के लोगों ने एकजुट कर एक साथ कर पूरा डिफेंस को पूरा आर्मी को और उनके पुलिसों को आईजी साहब का वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं पंजाब में जो था तो उन्होंने सपोर्ट किया पंजाब में टेररिज्म ख़त्म हुआ मगर कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारे लोकल्स जो है वो क्योंकि कश्मीर में 12 साल मैंने सर्विस किया आउट ऑफ 32 ईयर्स में मैं 12 साल कश्मीर में रहा हूँ पूरा पहाड़ों में वहाँ पर लोकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले से ही है जो उनको फैसिलिटी दी है 370 के कॉलम लगा 355 ये का ये जो लगाया इसके वजह से वो पूरा आज़ादी मांग रहा है आज़ादी का ये मतलब नहीं और ये लोकल के वजह से हुआ आप जैसे बोल रहे हैं कार्रवाई का पूरा ये हुआ था पूरा रेकी पार्टी आगे गई थी सब कुछ उन्होंने लोकल ने पहले प्लान किया था 4-5 गाड़ियां हमारी जा चुके 39 गाड़ियां थी बस वो 39 बस में से काफ़ी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी थी तो उनका यही प्लान था कि बीच वाली जो गाड़ी है उसमें आकर गाड़ी बीच में घुसाड़ना सेंटर में आधी कन्वॉय वहाँ आधी कन्वॉय पीछे तो इसलिए कोई ऐसा मेजर नहीं कि सिक्योरिटी नहीं लिया पूरा अभी इतना ही था कि जैसे पहले वहाँ पर आदेश है आर्मी की कन्वॉय जाती तो सिविल कन्वॉय बंद किया जाते
ये ऑर्डर नहीं था, वो अभी गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर शुरू करवा दिया। अभी सीआरपीएफ की भी, पैरामिलिट्री फोर्स की भी कानवा जाएगी तो सिविलियन की गाड़ियाँ बंद किया जाएगा, तो उसका ये फायदा उठाया उन लोगों ने। फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट जॉन डिसिल्वा पंजिम।